कक्षा चार पाठ पांच आत्मविश्वास का आज हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहले मौखिक कार्य करेंगे। प्रश्न को आज के युग में कैसे व्यक्तियों का जीवन सार्थक होता है? उत्तर, आज के युग में आत्मविश्वासी व्यक्तियों का जीवन सार्थक होता है। प्रश्न खो, पांडवों ने कौरवों के रचे गए षड्यंत्र को विफल कैसे किया? उत्तर, पांडवों ने आत्मविश्वास के द्वारा ही कौरवों के रचे गए षड्यंत्र को विफल कर दिया। प्रश्न गो, पलस्तियों की सेना का वीर कौन था? उससे लोग क्यों डरते थे? उत्तर, पलस्तियों की सेना का वीर गोलियत था। उससे लोग डरते थे क्योंकि वह बहुत ही बलवान, लंबा चौड़ा और बड़ा आदमी था। प्रश्न घो, पलस्तियों से कौन से राजा की शत्रुता थी? वह कहाँ का राजा था? उत्तर, पलस्तियों से साउल राजा की शत्रुता थी, वह इजराइल का राजा था। प्रश्न ओ, बालक दाऊद की विनती सुनकर राजा ने उसके विषय में क्या सोचा? उत्तर, बालक दाऊद की विनती सुनकर राजा ने उसके विषय में सोचा कि यह है तो बालक, पर इसके आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि गोफन चलाने में यह अभ्यस्त है। प्रश्न चो, पलस्तियों के उस वीर को किस पर क्रोध आया और क्यों? उत्तर, पलस्तियों के उस वीर को दाऊद पर क्रोध आया क्योंकि दाऊद राक्षस के पास जाकर चिल्लाया, वापस जाओ बुरे आदमी, अन्यथा मैं तुमको अपने गोफन से मार दूंगा। लिखित कार्य। प्रश्न को, इजराइल के राजा के कर्मचारियों ने किस बालक को और क्या कहकर राजा के सामने बुलवाना चाहा? उत्तर, इजराइल के राजा के कर्मचारियों ने दाऊद नाम के बालक को बुलवाना चाहा और कहा गया कि दाऊद बहुत अच्छी वीणा बजाता है, बात करने में वह चतुर और बुद्धिमान है, देखने में भी रूपवान है, वह महाराजा का मन बहला सकता है। प्रश्न खो, उस बालक ने राजा के शत्रु के विषय में सुनकर राजा से क्या विनती की थी? उत्तर, उस बालक ने राजा के शत्रु के विषय में सुनकर राजा से विनती की कि जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने गोफन से मारकर अपने देश की और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। प्रश्न गो, पलस्तियों के आक्रमण पर उस बालक ने क्या किया? उत्तर, पलस्तियों के आक्रमण पर उस बालक ने पहले उनको युद्ध के लिए ललकारा और फिर ईश्वर का नाम लेकर गोफन से निशाना लगाया और पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर जा लगा और फिर वह मर गया। प्रश्न घो, क्या पलस्तियों के उस वीर को वह बालक मार सका? यदि हाँ तो किस प्रकार? उत्तर, हाँ, पलस्तियों के उस वीर को वह बालक मार सका। उसने अपने गोफन को निशाने से ऐसे चलाया कि पत्थर गोफन से निकलकर ठीक गोलियत के माथे पर लगा। पत्थर मजबूत, चिकना तथा गोल था, उसके लगते ही गोलियत नीचे गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न हुआ, पलस्तियों के उस वीर के मर जाने पर क्या हुआ? उत्तर, पलस्तियों के उस वीर के मर जाने पर उस राक्षस के सब सैनिक डर कर भाग गए। प्रश्न चो, श्री रामचंद्र जी को आप क्यों तथा किस प्रकार आत्मविश्वासी कह सकते हैं? उत्तर, श्री रामचंद्र जी ने आत्मविश्वास के बल पर ही वन में सेना संगठित करके रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए श्री रामचंद्र जी को आत्मविश्वासी कह सकते हैं। किसने, किससे और कब कहा? प्रश्न को, दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छा वीणा बजाता है, बात करने में वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है। उत्तर, राजा के कर्मचारियों ने राजा से कहा। जब राजा जीवन भर युद्ध करने के पश्चात जब वह थक गया तब वह बेवकूल रहने लगा, तब यह वाक्य कहा गया है। प्रश्न खो, हाँ हाँ, तुम मुझे मारोगे, मैं भी तो देखूं कि कैसे तुम मुझे मारोगे। उत्तर, गोलियत राक्षस ने दाऊद से कहा। जब दाऊद राक्षस के सामने जाकर चिल्लाया कि वापस जाओ बुरे आदमी, अन्यथा मैं तुमको अपने गोफन से मार दूंगा, तब यह वाक्य गोलियत राक्षस ने कहा था। बहु विकल्प प्रश्न MCQ, सही उत्तर चिन्हकर टिक लगाएं। ओ, दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना ही देश है। उत्तर, आत्मविश्वास। खो, दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी देश बजाता है। उत्तर, बीना। गो, दाऊद ने राजा से विनती की जब गोलियत राक्षस आएगा
तब मैं उसको अपने देश से मारकर अपने देश की और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। उत्तर, गोफन। गोलियत को हारते हुए देखकर उसके देश डरकर भाग गए। उत्तर, सैनिक। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखें। तारा, तारे। लड़का, लड़के। पत्ता, पत्ते। छिपकली, छिपकलियां। रोटी, रोटियां। टोली, टोलियां। रात, रातें। बात, बातें। बहन, बहने। समस्या, समस्याएं। आवश्यकता, आवश्यकताएं। सेना, सेनाएं। नंबर 2, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम का परिभाषा है, हम सब जानते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखें। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य से हमें सर्वनाम शब्द को चुनना है, फिर उन्हें लिखना है। तो प्रश्न को, लोग उन्हें महाराजा कहते हैं, सर्वनाम शब्द है उन्हें। खो, राजा ने बताया कि उहा युद्ध नहीं करेगा, सर्वनाम शब्द है उहा। गो, उहा अपना काम स्वयं करता है, सर्वनाम शब्द है उहा। घो, इसने शेर और भेड़िये से भेड़ों की रक्षा की है, सर्वनाम शब्द है इसने। वो, दाऊद की आवाज सुरीली है, जब ओए गाते हैं तो सब मुग्ध हो जाते हैं, सर्वनाम शब्द है ओए। नंबर 3, संयुक्त का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मिश्रित रूप को संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहते हैं। नीचे बाईं ओर लिखे संयुक्त व्यंजनों के दो दो शब्द लिखें। पोमेयो, कंप्यूटर। प्यारा, प्याज। नेक्स्ट है दो में धो, समृद्धि, बुद्धि, युद्ध। बोमेयो, व्यापार। व्याकरण, व्यक्ति। सो में थो, स्थान, स्थापना, स्थिति। सो में तो, वास्तविक, दोस्त, वस्तु। धोमेयो, मध्य, अध्ययन, ध्यान। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से विपरीतार्थक शब्द चुने और लिखे। यहाँ पर हमको विलोम शब्द लिखना है। मित्रता, शत्रुता। निंदा, प्रशंसा। भक्षक, रक्षक। तुच्छ, महान। मानव, दानव। पराजय, विजय। निरर्थक, सार्थक। अभ्यस्त, अनभ्यस्त। दुर्लभ, बलवान। विघटित, संगठित। बहुविकल्प प्रश्न MCQ नंबर 5, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। ओ, फूल शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। उत्तर, पुष्प। खो, इनमें से शैक्षिक क्या शब्द है। उत्तर, विशेषण। गो, जवानी शब्द इनमें से कौन सा शब्द है। उत्तर, भाववाचक संज्ञा। इन शब्दों में शुद्ध शब्द है। उत्तर, आत्मविश्वास। नंबर 6, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलाएं। यहाँ हमें मिलान करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। दूसरे के सहारे पर रहने वाला, परावलंबी। जो किसी पर आश्रित ना हो, निराश्रित। जिसमें भय या डर ना हो, निर्भीक। जिसके अधीन कई राज्य हो, सम्राट। नंबर 7, जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ बोला जा रहा है, जो शब्द समानार्थी यानी समान अर्थ नहीं देते हैं उस पर हमें टिक करना है। तो राक्षस, राक्षस का जो समान अर्थ नहीं दे रहा है वो है मानव। राजा, राजा का समान अर्थ नहीं देने वाला शब्द है रंक। युद्ध, युद्ध का समान अर्थ नहीं देने वाला शब्द है शांति। बालक, बालक का समान अर्थ नहीं देने वाला शब्द है बालिका। तुच्छ, तुच्छ का समान अर्थ नहीं देने वाला शब्द है वीर। धन्यवाद।